हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल बी आर जद्दी। और आज की आपका स्वागत है इस सीरीज में, चेंज योर लाइफ कम्प्लीटली इन 100 डेज। अगले 100 दिन में आपकी जीवन को फाइनेंशियली, फिजिकली और मेंटली तीनों तरीके से बदलो। ठीक है, तीन चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा जो कि मैंने अप्लाई करना चालू किया है, जो कि आप भी कर सकते हो। द फर्स्ट थिंग कि जैसे कि हमने कल स्टार्ट किया था एक्सरसाइज, पिछले 3 दिन से हम एक्सरसाइज कर रहे हैं प्रॉपर। पहला सिक निरोगी का आया, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग में क्या रहेगा, देखो मेरे को भी बॉडी पेन हो रहा है। अभी मैंने एक्सरसाइज करना चालू किया, मैंने बहुत लंबे समय से एक्सरसाइज नहीं कर रहा था। पिछले 3-4 महीने से प्रॉपर वे में एक्सरसाइज नहीं कर रहा था। अब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो क्या होता है कि हमारे पूरी बॉडी में बहुत दर्द होता है, ठीक है। अब जो बॉडी में दर्द होता है ना, उसको कैसे डील करना है, देखो अभी हो रहा है। इस कारण आज मैं 6 बजे भी नहीं उठ पाया। आज 8 बजे उठा था, 8 बजे के बाद मुंह धोकर घूमने के लिए आ गया था, जो मेरा दोस्त है इसके साथ बाहर घूमने के लिए आ गए थे, ठीक है। तो मैं इसमें यही बोल रहा हूँ, देखो आपको दर्द होगा, प्रॉपर होगा। देखो अगर आप 6 बजे नहीं उठ पा रहे तो 8 बजे तो उठो, और ऐसा खुद को सुत में तो लो, अब 8 तो बजे ही गए, आज क्या हुआ, आज 6 बजे नहीं उठ पाए, कल 10 बजे उठते हैं। देखो अगर इस फ्लो में चले जाओगे ना आप, उसे क्या बोलते हैं, प्रोकेस्टिनेशन में टाल मटोल करने लगो कि अब अभी नहीं हो पा रहा तो बाद में देखता हूँ, तो उस तरीके से चीज़ें नहीं होती, ठीक है। द सेकेंड थिंग कि इस चीज़ में मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एक्सरसाइज मॉर्निंग में नहीं कर पा रहे तो शाम को करो, ठीक है। आए हम सिर्फ वॉकिंग के लिए ही आए थे, ठीक है। मॉर्निंग में मैं वॉकिंग के लिए गया, तब कोई मिला नहीं था, इसको फ़ोन लाया, इसने फ़ोन नहीं उठाया था, ठीक है। तो अभी मैं अकेले ही वॉकिंग के लिए आया हूँ, ठीक है। तो शाम को एक्सरसाइज करेंगे वो मैं डाल दूंगा अभी मॉर्निंग में, ठीक है। मॉर्निंग में जो भी शाम को एक्सरसाइज कर रहा हूँ वो नीचे आपको वो मिल जाएंगे वीडियोस वगैरह, ठीक है। तो द नेक्स्ट थिंग कि फाइनेंशियली के लिए क्या किया, फाइनेंशियली के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक क्लाइंट आने वाला है, ठीक है, बातें हो चुकी हैं, अब उसके जाके आज मिलना है, ठीक है। जो भी डील होती है मैं आपको शाम को अपडेट कर दूंगा, क्योंकि अभी क्लाइंट कन्विंस हो चुका है। 3 फॉलोअप थे, 3 फॉलोअप मैंने आपको बताया था कि एक क्लाइंट कन्विंस हो जाएगा, वो क्लाइंट कन्विंस होने वाला है, तो यही है, उससे जाके बात करना है, ठीक है। जो भी होगा मैं शाम को जो वीडियो आएगी उसमें अपडेट कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि अभी हमने जस्ट फिजिकली के बारे में बात किया, तो मैं आपको बता रहा हूँ फिजिकली तो हमने बहुत बेटर कर लिया है, ठीक है। अब पर्सनली, ठीक है, पर्सनल डेवलपमेंट में और साथ में आपकी मेंटली डेवलपमेंट पे थोड़ा फोकस करेंगे, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं ना मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, एनजाइटी, स्ट्रेस, ठीक है। तो इससे इस जिन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डील कर रहे हैं, तो मैं कुछ बुक्स भी रिकमेंड करूँगा, बट बुक्स रिकमेंड करने से पहले मैं बहुत एक प्रॉब्लम जो मुझको निकल के आई है, ठीक है, जो मेरा दोस्त है रिसेंटली उसकी शादी हुई, ठीक है। तो उसकी शादी हुई तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, रिश्तेदारों से बात करने में उसको प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी आता है किस तरीके से बात करता है, तो वो बहुत सारी चीज़ हो रही हैं, लोग उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं और लोग उसको चूतिया समझ रहे हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी, मैं वो आपको बताता हूँ। फर्स्ट देखो, कभी भी किसी से आप बात कर रहे हो ना, एक बात गांठ बांध लो, ठीक है। वो आपकी थाई लेना चाहता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप कितने पानी में हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, कैसा क्या सीन चल रहा है, तो उससे रिलेटेड आपको सिर्फ एक ही करना है, ठीक है। आपको उसकी उसको अपनी थाई नहीं लेने देनी है, वो उसकी आपको थाई लेनी, मतलब कि आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है। ये मैं बताता हूँ, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछोगे ना, सामने वाला उतना खुल के उसके बारे में बताएगा, और वो धीरे धीरे बताते जाएगा, एक एक करके सारे राज खुलता जाएगा उसके जीवन के जितने भी है, ठीक है। इसके लिए आप ट्राई कर सकते हो, सवाल ही जवाब है, अगर कोई आपसे सवाल पूछे तो उसको किस तरीके से जवाब देना है, ठीक है। सेकंड थिंग कि अब 15 से लेकर 25 साल के लोगों से तो आपने डील कर लिया, अब आते हैं दूसरे टाइप के लोग, चतुर चालाक चंट, उनको कैसे डील करना है, उनको एक बहुत आसान बताता हूं मैं। उनको रहता है कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट समझते हैं, ठीक, ओवर स्मार्ट, अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हैं और बहुत कॉन्फिडेंट समझते हैं। उनका सिर्फ कॉन्फिडेंस तोड़ने का एक ही काम है, ठीक है, वो है कि उनको प्रॉपर कॉन्फिडेंस मिला, अरे भाई तुम तो ऐसा कर रहे हो, तुम तो बहुत रुपए पैसा कमा रहे हो, तुम तो यहाँ पे भी छाप रहे हो, तुम्हारे पापा भी छाप रहे हैं, बहुत सारा काम चल रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो उसको उसकी जो भी वो बात कर रहा है, खेती से रिलेटेड, ठीक है, मोबाइल से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, उसकी हमें हाँ मिलाते जाओ, उसकी हमें हाँ नहीं मिलाओगे ना तो वो आपकी टांग पकड़ेगा, वो आपकी उतारने के लिए आया, आपकी जराने के लिए आया है, तो उस चीज़ को समझो, ठीक है। आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें मेंटली में ही आती हैं। देखो कभी भी कोई भी आता है आपको रोस्ट करेगा ना, आपको बुरा भला बोलेगा, मजाक में ही बोले, आपको बहुत बुरा लगता है, आप सोचने लगते हो कि उसने ऐसा क्यों बोला, मुझसे ही क्यों बोला,
तो ये सारी चीजें रहती हैं। तो उस बंदे को इस तरीके से डील करना है जो आपको जरा उसकी आपकी जराना चाहता हो, ठीक है, तो उसको प्रॉपर वे में आपको उसको ओवर कॉन्फिडेंस देना है, ठीक है। तीसरी बात, ठीक है, अब वो सिर्फ देखो अब थोड़ा बहुत मजे लेने आया था आपका और थोड़ा बहुत हो गया, अब तीसरे टाइप की जो कि आपसे सिर्फ जलते हैं और आपको मिलना पड़ता है, ठीक है, उनसे कैसे डील करें? देखो वो आपको रोस्ट करेंगे, मतलब गाली गाली गलौच करेंगे, मजाक करेंगे, ठीक है, 10 जनों के सामने आपकी झराएंगे, हिंदी करेंगे, तो उनसे कुछ नहीं करना, उनको जो बोलते जा रहे हैं ना, हाँ ऐसा ही है, इस तरीके से डील करना है। और इसके लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर देता हूँ, और नीचे मैंने ऑलरेडी उस बुक को एक्सप्लेन कर रखा है 2 घंटे में, द 48 लॉ ऑफ पावर, मैंने सारी के सारे एक्सप्लेन कर रखे हैं, 2 घंटे में मैंने पूरी पूरी बुक एक्सप्लेन कर रखी है, आप प्रैक्टिकली उसको कैसे लाइफ में अप्लाई कर सकते हो वो वीडियो जाके चेक कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। सेकेंड थिंग कि अब ये बुक तो आपने, मैंने जो समरी दी थी वो तो आपने पढ़ ली, आप इस बुक को एक बार जरूर पढ़ना, अगर आप हिंदी अच्छी है आपकी तो हिंदी में पढ़ना, अगर इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश में पढ़ना, ठीक है दोस्तों। लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंशियल ईगो, हाउ डिड माय डे गो लाइक, ठीक है, तो अब बात करते हैं फाइनेंशियली, जो हमारा गोल था कि 10 लाख रुपये कमाना है, और आज चौथा दिन है, चौथे दिन में कितना क्या पैसा आया, ठीक है, मैं आपको बता दूँ, जो कि हमारे 3 फॉलोअप थे, 3 फॉलोअप में से 2 से ऑनलाइन मीटिंग थी जूम पर, तो उनसे डिस्कशन किया, एट द एंड ऑफ द डे उनको कुछ समझ में नहीं आया, मतलब समझ में तो आया, काम तो करना चाहते हैं, बट जो काम अब 15,000 रुपये में बन रहा है वो 2,000-3,000 रुपये में कराना चाहते थे, दे बार स्कूल स्पेशली फ्रॉम विदिशा के लोग तो आप जानते हो, एक पैसा खर्च करने से पहले 1,000 बार सोचते हैं, तो विदिशा का ये रहस्य है, ठीक है। और एक और स्कूल था जो कि इंदौर का ही था, तो वो बोले थे कि आप जब भी आओ इंदौर तो प्रॉपर वे में बैठ कर डिस्कस करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, उनको सारी चीज़ समझ में आ गई, बट वो ऐसा नहीं चाहते थे कि ऑफलाइन में ही हो उनके लिए कोई, तो उनके साथ काम करना चाहते हैं ऑफलाइन में, ठीक है, तो मैं जाकर उनको ऑफलाइन दे दूँगा, ठीक है। और तीसरा फॉलोअप था जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर था, तो मैं वहाँ गया और उनसे डिस्कशन किया सारा का सारा, आज संडे अकेले वही आए थे, डायरेक्टर थे स्कूल के, यहीं पर से 30 किलोमीटर दूर गुना शहर में था, स्कूल का नाम नहीं लूँगा मैं, क्योंकि फिर लोग रीच आउट करना चालू कर दें उनको, तो उनके साथ क्या हुआ, मैंने उनको 1 घंटा पूरा समझाया कि किस तरीके से इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, ये 3 चीज़ों के लिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट पिच किया, जिसमें कि पोस्ट हम बनाएंगे, कंटेंट हम बनाएंगे, कैरोसेल हम बनाएंगे, वीडियो एडिट हम करेंगे, ये सारी चीज़ों का मैंने बताया, चार्जेस उनको 15,000 रुपये पर मंथ, उन्होंने मुझसे क्या बोला, 3,000 रुपये पर मंथ, क्योंकि वो टीचर्स को ही 3,000 रुपये दे रहे हैं, स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाने आ रहे हैं 5th क्लास से 8th क्लास तक प्राइवेट स्कूल में, वो 3,000 उनको दे रहे हैं, तो हमको सोशल मीडिया मैनेजमेंट के कैसे दे, तो प्रॉपर डिस्कशन हुआ, तो 6,000 में डील क्लोज हो चुकी है, 2,000 रुपये उन्होंने एडवांस दे दिए, द फर्स्ट पेमेंट जो आ चुका है, उससे मुझको बहुत खुशी मिली कि अभी 4 दिन में 2,000 रुपये का तो पेमेंट आया, ठीक है। ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट का बता रहा हूँ मैं आपको, उन्होंने कैश पे किया था, ठीक है। और अब बात आते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट में, मेरे को लगता है कम से कम 20 दिन लगेंगे, 20 दिन से लगेंगे 8 से 10 फॉलोअप बनने में, और उनमें से 5 फॉलोअप क्लोज हो जाएंगे, तो लगभग पेमेंट आ जाएगा हमारा 60 से 70 हज़ार रुपये का पेमेंट आ जाएगा सोशल मीडिया मैनेजमेंट के थ्रू, इनमें फॉलोअप बनने में बहुत टाइम लग रहा है, और क्लाइंट इंटरेस्टेड तो है, बट वो प्रॉपर वे में अपने ऑफलाइन बंदे के साथ स्टार्ट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो उनसे मिलकर करना पड़ेगा, तो मैं देखता हूँ अगर कोई ऑफलाइन मिलता है आसपास में वो क्लाइंट लेता हूँ, और उसके साथ साथ ऑनलाइन क्लाइंट भी उठाना चालू करता हूँ कोचेस कंसल्टेंट को, ठीक है। अब बारी आती है जैसे कि मैं बात कर रहा था जैसे कि फेसबुक पेज लोड करना है, तो फेसबुक पेज पे जो मेरे पुराने पेज थे, ठीक है, जो मैंने बढ़िया एड्स ऑन रील चला गए, कुछ ऐड किए थे, 15-20 पेज स्टार्ट किए थे, उनमें से 3 पेज मेरे को समझ में आए, 3 पेज मैंने देखे हैं, उन पर एडिट करके रील्स डालना चालू कर देना, पॉडकास्ट की या पर कहीं पे भी किसी भी चीज़ की,
ये स्टार्ट कर देना, ये करने के बाद फिर मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा। वो उसको 1 महीने लगने वाला है ये पेज को, और एड्स ऑन रील एक्टिव होने में। और सेकेंडली दूसरी चीज क्या, दूसरी चीज हमारा एड्स ऑन रील एड करने में, और जो मूवीज वाली क्लिप्स रहते हैं जो फेसबुक पे देखते हैं वो वहां पे एडिट करने में टाइम लगेगा। ठीक है, पहले एड्स ऑन रील एक्टिव करता हूँ उन तीनों पेज पे, 10-15-20-20 हज़ार फॉलोअप करता हूँ, फिर मैं दिन के 4 से 5 रील डालना रहेगा, ऐड करके डाल दिया, ऐड करके डाल दिया, एडिट करके डाल दिया। और अभी मेरी चाय एक और बंदा है जो मैंने अभी रिसेंटली हायर नहीं किया है, बस देख रहा है, इंटर्नशिप दिया वीडियो एडिटिंग की, तो उससे ये फेसबुक की रील्स एडिट कराऊंगा। तो अभी यही चल रहा है दिमाग में। और आज तो मैं दिन भर बैठा था, तो आज तो थोड़ा हेक्टिक डे हो गया क्योंकि पानी में भीग भी गया था। सुबह गया था 12 बजे, तो आते आते पानी में भीग गया था, और फिर कोई क्लाइंट भी नहीं बना आज, तो दिमाग खराब हो रहा है। तो दूसरे तरीके से भी क्लाइंट लाना पड़ेगा, दूसरे वे में भी लाना पड़ेगा। एक मैंने आपको फेसबुक वाला भी बताया, और भी चीज़ें हैं उस तरीके से मैं वो बात कर रहा हूँ। और एक और चीज़ मैंने बात को बताई थी कि बैक एंड सेल्स टीम का काम करना है, दूसरे के लिए सेल्स कोर्सेज भेजना है, वो मैंने आपको बताया था। उसके लिए मैं तो खुद ही हूँ, और एक और दोस्त को कन्विंस किया है, साथ में करते हैं, एक बड़ा कमीशन लेंगे। तो बैक एंड सेल्स के जैसे दोस्त से मैंने बात की थी तो वो इंटरेस्टेड हो चुके हैं। आज रात को मीटिंग है, 8 या 9 बजे हम बैठेंगे, जैसा भी डील क्लोज होती है वो लीड्स प्रोवाइड करेंगे और हम सेल्स करेंगे। तो ये 3 तरीके से अभी हम पैसा कमाने का प्लान कर रहे हैं। देखो भाई सब टेंशन तो रहेगी, ऐसा नहीं कि आप सोचो कि पहले ही दिन में पैसा आ जाएगा, पैसा आने में टाइम लगता है, लीड्स बनती हैं, फॉलोअप बनते हैं फिर उसके बाद। ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि मैं मेरे ऑलरेडी जो कॉन्टेक्ट हैं उन पर अटैक करूँ, उनसे कॉलैप करूँ, उनसे कनेक्ट करूँ और उनके साथ मैं डालना चालू करूँ। मेरी जो सोशल मीडिया मार्केटिंग की एजेंसी चलती है मैं उससे भी कुछ नहीं उठा रहा हूँ, मैंने किसी भी बंदे को वहाँ से डिस्टर्ब नहीं किया, वो उनका काम कर रहा है, मैं सिर्फ मेरा काम कर रहा हूँ। ये सब कुछ मैं आपको स्क्रैच से क्रिएट करके देना चाहता हूँ, ये मेरी वो है इच्छा, क्योंकि स्क्रैच से भी किया जा सकता है, मैं जस्ट ये बताना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में डे 5 पे, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।